नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। अख्तियारक प्रमुख कार्की ऊपर महाअभियोग लगावा डॉक्टर केसी के मांग। कार्की कहलन डॉक्टर केसी के दिमाग ठीक नहीं है। जिला शिक्षा कार्यालय करक के कर्मचारी द्वारा मनमौजी, कार्यालय आवा जाए के कोनो ठिकान नहीं। आ हंगेरी ऊपर शानदार जीतक संग बेल्जियम यूरो कप के क्वार्टर फाइनल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज के चिकित्सक प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की ऊपर महाअभियोग लगाबा के मांग कलक। प्राध्यापक डॉक्टर केसी रवि दिन शिक्षण अस्पताल में पत्रकार सम्मेलन का अख्तियारक प्रमुख आयुक्त कार्की ऊपर चिकित्सा शिक्षा में सुधार के प्रक्रिया अवरुद्ध केने आरोप सहित महाअभियोग लगाबा मांग कलक। वो अख्तियारक प्रमुख आयुक्त कार्की परिवारजन खोलने मेडिकल कॉलेज के हित प्रवर्धन के लिए मेरिट अनुसार भरना करे वाला आ भरना केला पर निश्चित शुल्क लेवे वाला सुधार के प्रक्रिया अवरुद्ध करे तथा भ्रष्टाचारी सबके संरक्षण के आरोप लगौलक। अख्तियार प्रमुख के भाई प्राध्यापक डॉक्टर बालमान सिंह कार्की किस्ट मेडिकल कॉलेज के संचालक से होते। डॉक्टर केसी अख्तियार के प्रमुख आयुक्त कार्की कार्यक्षेत्र नाइक काठमांडू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में हस्तक्षेप कर लगौने तथा चिकित्सा क्षेत्र के सुधार में क्रियाशील पदाधिकारी के ब्लैकमेलिंग क राजीनामा कर लगौने आरोप से लगौलन। आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नागरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुवा प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि तत्काल संसदले महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् र सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारवाही गरियोस्। डाक्टर केसी सब सरकारी मेडिकल कलेजका आर्थिक भार सरकार बेहोरा प्रभाग सब प्रदेशमा कम्तीमा एकटा सरकारी मेडिकल कलेज खोला प्रभाग तथा काठमाडौँ उपत्यकामै 10 वर्ष धरि मेडिकल डेन्टल आ नर्सिङ कलेजके लिए नयाँ सम्बन्धन नै दे बजेका चिकित्सा शिक्षा एन संसदका चालु अधिवेशनसँग लाभ सेहो माग कलक। ओ माग पूरा करक लेल सरकारके 2 सप्ताहके अल्टिमेटम सेहो देनाइ छ। माग पूरा नै हेत तखार 26 गतेसँग आमरण अनसन बैसबाक डाक्टर केसीके चेतावनी अछि। अमर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मेडिकल शिक्षा सुधारके लेल संघर्षरत डाक्टर गोविन्द केसीके मानसिक उपचारके व्यवस्था मिलाव सरकारके आग्रह कलक। डाक्टर केसीके मानसिक सन्तुलन ठिक नै रहल कहित अख्तियार इलाज कराव प्रभाग आग्रह कलक। अख्तियारके प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की प्रभागग्राही भक काम केने आरोप लगबैत हुनका ऊपर महाअभियोगमे लगावा प्रभाग माग राखिकऽ केसी अनसन घोषणा करयवला दिन अख्तियार केसीके मानसिक स्वास्थ्यके उपचारके आग्रह कलक। अपन न्यूनतम आचरण आ जिम्मेवारीके दायरासँ विमुख केसीके मानसिक उपचारके यथाशीघ्र उचित व्यवस्थाके लेल समेत आयोग सरकारसँग आग्रह करैत अछि अख्तियारके विज्ञप्तिमे कहल गेल अछि। शिक्षा कार्यालय धनुषाके कर्मचारी सब समयमे कार्यालय नै पहुँचलापर दर्जनौ सेवाग्राही सब दैनिक समस्या झेलैत आयल अछि। जनकपुर बजारसँ 2 किलोमिटर दक्षिणमे रहल शिक्षा कार्यालय धनुषामे अधिकांश समय कर्मचारी सब कार्यालय समयसँ देरी अयबाक आबि रहल सेवाग्राही सबके आरोप अछि। कार्यालयमे शिक्षा अधिकारी 2 गोटे सहायक शिक्षा अधिकारी सहित 38 गोटे कर्मचारीके दरबन्दी अछि, मुदा समयमे पुगलापर कार्यालय सहायक अतिरिक्त अन्य कोनो कर्मचारी नै देखैमे अबैत अछि। सिफारिश फारम बुझाबऽ लगायतके विभिन्न काम लऽ कऽ शिक्षा कार्यालय पहुँचल सेवाग्राही सब विद्यालय आ विद्यार्थीके अनुशासन सिखाबयवला विद्यालय आ शिक्षकके अनुगमन करयवला निकाये गैर जिम्मेवार भेल प्रति दुख व्यक्त कयलनि। एकरा सबके सभी सरकारी विदा रहिए 12-1-2 बजे कर्मचारी अभी कर्मचारी कोनो मतलब नहीं रही, मन भेल तऽ काम कयलक नहि भेल तऽ नहि कयलक, ई कोनो नियम नीति नियम आबिके जे लास्टे डेट ही करी गेलै सर शिक्षक सेवा आयोगके भरेवला, अभी सर 11 भऽ गेलै मास सकले सर कर्मचारी कारणसँ हमर लाइसेंस नहि भेट रहल। विद्यालय अनुगमन अनुदान PCF राहत शिक्षक नियुक्ति दात्री निकायके अनुदानमे विद्यालयमे भवन निर्माण झोले विद्यालय लगायतमे कार्यरत कर्मचारीके दलालीके भरमे चलयवला शिक्षा कार्यालय शहरसँ दूर रहलके फायदा उठबैत कर्मचारीसब मौज कऽ रहल अछि। कार्यालय खुजल 1 घंटा पश्चात मात्रे परिसर प्रवेश कयने सहायक शिक्षा अधिकारी तानिकांत झा नियमित अनुगमन औपचारिक कार्यक्रम अनुगमन करैत कार्यालय पहुँचक कर्मचारी सबके देरी होइत आयल दावी अस्वीकार कयलनि। जिला भरिके पठन पाठनके अवस्थाके अनुगमन करयवला निकाय आ कार्यरत कर्मचारीके अनुगमन करबाक निकाय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय
विभाग मंत्रालय से नियमित अनुगमन आ प्रगति के यथार्थ जानकारी नहीं मंगला पर कर्मचारी सब और मन परी कर रहा है। शिक्षा आयन 2073 के विरोध के ने अस्थायी शिक्षक सब रवि दिन धनुषा के सामुदायिक विद्यालय सब के पठन पाठन बंद कर जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा में धरना देने छल। अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति जनकपुर सहित धनुषा के ग्रामीण क्षेत्र सबके सामुदायिक विद्यालय बंद कर शिक्षा कार्यालय में भोर 10 बजे से धरना में बैसल छल। नियमित रूप में संचालन होत आयल विद्यालय रवि दिन भोर में आधा घंटा मात्र सुचारू भ विद्यालय सब बंद कराओल गेल छल। भोर 10 बजे शिक्षा कार्यालय पहुँचल अस्थायी शिक्षक सब सामान्य प्रक्रिया पहुँचा कर थाई करा प्रभाग आ आयोग में असफल भेल अस्थायी शिक्षक सब के समेत गोल्डन अवसर देवा प्रभाग मांग करे आंदोलन में उतरल। नेपाल में 20,000 अस्थायी शिक्षक कार्यरत रहल में धनुषा में मात्र ओकर संख्या 300 है। अंचल अस्पताल जनकपुर आईसीयू आ सीसीयू कक्ष आ उपकरण जरान के 1 वर्ष बीत गेल रही तो संचालन करल नहीं सक रहा अवस्था में एक निजी शिक्षण अस्पताल पहल बेर संचालन में लौने क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू संचालन के विधि प्रक्रिया संबंध में अमेरिकी विज्ञ से प्रशिक्षण चलाने आई। जनकपुर स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज तथा शिक्षण अस्पताल में अमेरिकी मूल के विशेषज्ञ जोई निमेजुरा आईसीयू सीसीयू संचालन संबंध में अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी सबके प्रशिक्षण दिलक है। आईसीयू आ सीसीयू यूनिट में कार्यरत दूर दर्जन से बेसी कर्मचारी सबके क्रिटिकल केयर यूनिट संचालन के प्रक्रिया के विषय में मिनेजुरा प्रशिक्षण देने। प्रशिक्षण पश्चात के समापन समारोह में शिक्षण अस्पताल के कार्यकारी प्रमुख रतीश चंद्र लाल मानवीय स्रोत दक्ष नहीं भेला से साधन मात्र कोनो काम नहीं लागत बतौलन। कार्यक्रम में डॉक्टर रमन मिश्र आईसीयू आ सीसीयू संचालन के प्रक्रिया के विषय में प्रशिक्षण पौला के बाद कार्यरत कर्मचारी में दक्षता अभिवृद्धि होबाक बतौलन। थरवर थारू वान श्रमिक संघर्ष समिति राज्य अपन मांग संबोधन के कहित लालटेन जुलूस सहित प्रदर्शन कलक। राजधानी के नया बानेश्वर में रवि दिन दोपहर अपन विभिन्न मांग के विषय में सरकार मौन रहल कहित ध्यानाकर्षण के लिए लालटेन जुलूस निकालल गेल समिति जनौलक। समिति 11 दिन आगू सरकार संग वार्ता करत धनी राम चौधरी के संयोजकत्व में वार्ता टोली गठन कने छल। समिति टीकापुर घटना में पकड़ाव पड़ल सबके था शीघ्र निशर्त रिहा करा प्रभाग थरुहट सबके समेत समेट कर सीमांकन करा प्रभाग लगात के मांग रखित आंदोलित है। नया शक्ति नेपाल पार्टी भीतर अध्यक्ष सहित पदाधिकारी आ कार्य समितिक सदस्य सब संपूर्ण पार्टी सदस्य सबसे प्रत्यक्ष निर्वाचित होब प्रभाग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सहित के विधान पारित कलक। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय भवन महल में शुक्र दिन से जारी केंद्रीय परिषद सचिवालय बैसार से एहन निर्णय कल गया। पार्टी के पहल राष्ट्रीय भेला से बनल कार्यदल केने गृह कार्य के आधार में इस आगू संगठन विभाग प्रमुख रहल देवेंद्र पौडेल प्रस्तुत केने विधान ऊपर के छलफल पश्चात केंद्रीय अध्यक्ष लगायत सब तह के पदाधिकारी आ सदस्य सब संपूर्ण साधारण सदस्य से निर्वाचित होब प्रभाग प्रणाली सहित के विधान पारित केने प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा जानकारी करौलक। नया शक्ति के आधारात्मक नामक राजनीतिक दस्तावेज आ विकास तहिना आर्थिक समृद्धि के खाका समेत के दस्तावेज सब कार्यदल परिमार्जन केने अनुसार पारित करबाक ओहि के निमित्ती निरंतर सुझाव संकलन करबाक आ महाधिवेशन धरि परिमार्जन कर के समेत निर्णय देवकोटा कलक। बैसार सोम दिन दोपहर 12 बजे पुनः बैसत। सरकार पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सबके आजीवन विलासी सुविधा देव के विधेयक लेबाक तैयारी में जुट गेल। गृह मंत्रालय पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश आ पूर्व सभामुख सहित के पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी सबके आजीवन मासिक वृत्ति आवास विलासी गाड़ी के सुविधा देव विधेयक मस्यौदा कक सहमति के लिए अर्थ मंत्रालय पठौलक। अर्थ से सहमति अला के बाद गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद से विधेयक चालू संसद बैसार में लजेबाक तैयारी कलक। तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री सब बाबूराम भट्टराय आ सुशील कोइराला के बेर में सरकार पूर्व पदाधिकारी सबके आजीवन विलासी सुविधा देव संसद में विधेयक दर्ता कराने। सवारी दुर्घटना में गंभीर घायल भेल पत्रकार नरहरि आचार्य के इलाज के लिए सहयोग अभियान शुरू भेल। बारा के निजगढ़ से रोहतक के चंद्र निगापुर मोटरसाइकिल में जायत काल काठमांडू से गेल टाटा सुमो किस दिन आगू हुनका ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल में सवार पत्रकार आचार्य के कन्या प्रमिला के उपचार के क्रम में निधन भेल छल त बेटी के समेत गंभीर चोट लागल छल। रोहतक जिला के पत्रकार आचार्य राष्ट्रीय समाचार समिति के संवाददाता छथि। आचार्य के परिवार के नेपाल प्रेस काउंसिल के सदस्य गोविंद प्रसाद चौलागाई स्वयं पौने भत्ता रकम से 15,000 रुपया
रवि दिन प्रदान कैलन। नेपाल टेलीविजन में कार्यरत पत्रकार बसंत रूपा के दिशे 10,000 रुपया सहयोग कैलन। एखन राजधानी के नर्विक अस्पताल में उपचारार्थ आचार्य के उक्त रकम नेपाल प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष बोर्न बहादुर कार्की हस्तांतरण कैने छला। आब स्पोर्ट्स इडेन हजार्ड के प्रेरणा से बेल्जियम हंगेरी ऊपर शानदार जीत दर्ज करत यूरो कप 2016 के क्वार्टर फाइनल में अपन स्थान सुरक्षित कलक। सोमदिन भोर में भेल खेल में बेल्जियम हंगेरी ऊपर 4-0 के नमहर जीत दर्ज कलक। बेल्जियम के विंगर हजार्ड उत्कृष्ट गोल कने छल। मध्य भाग से पौने पास में वो हंगेरी के दू खिलाड़ी के सेहो पाछा करत हुनका सबके बीच से बहुत सुंदर गोल प्रहार कने छल। वो खेल में अग्रता 10 मिनट के बाद दे टोबी एल्डी बेरोल्ड गोल क बेल्जियम अग्रता लेने छल। बाकी 3 गोल दोसर हाफ के अंत दिस मात्रे संभव भेल छल। आब बेल्जियम सेमीफाइनल में पहुंच वेल्स के सामना करे पड़त। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से अख्तियारक प्रमुख कार्की ऊपर महाअभियोग लगाब डॉक्टर केसी के मांग। कार्की कहलन डॉक्टर केसी के दिमाग ठीक नहीं है। जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी के मन मौजी कार्यालय आवाजाय के कोरो ठेकान नहीं। आ हंगेरी ऊपर शानदार जीत के संग बेल्जियम यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में। अपन न्यूज एखन के लिए लेते पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।